दोस्तों, इस टाइम पे हैं हम अमृतसर के लॉन्गेस्ट ब्रिज पे और आज हम इस ब्रिज को पैदल कवर करेंगे और देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। और इस जर्नी में मेरे साथ है गौतम और मंथन। तो चलिए अब आगे। अभी हमें चलते चलते सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट भी नहीं हुए अच्छे से, और हम धीरे 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 रास्ता कवर कर रहे हैं। और टाइम देख लो, इस टाइम पे 5:30 हो रहे हैं पूरे, और देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा टोटल कवर करते करते पूरा डिस्टेंस। भाई पानी मत पी अपने पास, सिर्फ ना 2 बोतल है पानी की, इधर देख। और इसको पसीना देखो कैसे आया हुआ है। नेशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, जो एक्टिवा पे हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं यहाँ तक आते। कितना टाइम लगता है हमें यहाँ तक आते? 5 मिनट भी नहीं लगते अच्छे से। और अभी हमें पैदल तोड़ते तोड़ते 15 मिनट हो गए हैं और अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एनर्जी ड्रिंक पहले होती है और ये देखो एनर्जी ड्रिंक इधर है। तो अभी एंट्रेंस गेट वो देखो, और चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अभी हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम लगेगा टोटल। ये है अपने अमृतसर का सबसे लंबा ब्रिज, जो कि सिटी में से जाता है और आपको सिटी से बाहर तक लेके जाता है। और ये देखो टाइम 5:45 होने वाले हैं। और अगर ये ब्रिज एक दिन के लिए बंद हो जाए ना, तो सारी सिटी में जाम लग जाता है। अभी तक किसी को थकावट महसूस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक किसी को थकावट भी महसूस नहीं हो रही है। और आगे जाके देखते हैं क्या बनेगा हमारा। ये जो प्रिप्सन होटल है ना, ये मेरे घर से बिल्कुल सामने दिखता है, और मेरा घर भी सामने है। मैं आपको आते वक्त दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम रुक गए तो सारा टाइम खराब हो जाएगा। पंगा हो चुका है, चप्पल टूट गई इसकी, गलती से ना मेरा पैर पड़ गया और सारी चप्पल टूट गई। अब कैसे पैदल यात्रा करेगा? और इस टाइम पे हम अपना सेकंड चेक पॉइंट पे आ चुका है। ये जितने आएंगे ना, हम उसको चेक पॉइंट में गिनेंगे, ठीक है? ये हो गया अपना सेकंड चेक पॉइंट, ठीक है। अभी तक किसी को थकावट महसूस हुई है? और ये देखो, ये तो गाने सुन रहा है जैसे टूरिस्टर नहीं होता बंदा। अभी ना आपके लिए एक ट्विस्ट है। अभी हमने सोचा हम चल तो जाएंगे, वहाँ तक जाते जाते थक भी जाएंगे, और वापस कैसे आएंगे उस जगह से? ब्रो कैसे वापस आएंगे? हम 5 बजे अपने घर से निकले थे और हम 5:55 हो गए हैं, और अभी तक हम पहुँचे हैं बस स्टैंड पर। ये देखो, अभी अब बिल्कुल बस स्टैंड के सामने हैं ब्रिज के ऊपर, और हमें नहीं पता कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भाई बातों बातों में नीचे ना होता जाना, तूने तो लगाए भी हेडफोन है। ये वापस नीचे पहुंच जाए, फिर सोचे मैं आ कहाँ पे गया हूँ। भाई उधर 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 चलो, और चलो चलो रूट चेंज करो पीछे देखकर। इसको चप्पल का गम लग गया है। नहीं नहीं, नीचे वैसे देखो रश देखो कितना। ये जो मोमेंट है ना, ये कभी हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी, है ना? तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े करो, जो भी होता है करो, बस अपनी ज़िंदगी में गलत काम मत करो, ज़िंदगी जियो मज़े से। ये वीडियो पोस्ट करने के बाद ना सीधा इधर आना है हमने, मंथन ये वीडियो पोस्ट करने के बाद ना सीधा इधर आना है। नई एक्टिवा, एक ब्लैक एक वाइट, एक रखी चिट्टी एक रखी काली। वो जो देख रहे हो ना आप सामने छोटा वाला ब्रिज, मतलब यही ब्रिज का पार्ट है। इससे लोग नीचे से, मतलब सिटी में से ऊपर को आते हैं। वहाँ पे पहुँचेंगे जब हम, तब समझ लेना कि हमने उस अपने ये वाले ब्रिज का हाफ पार्ट कवर कर लिया। और फाइनली हमने इस ब्रिज का आधा पार्ट कवर कर लिया। खुशी देख रहे हो कितनी हो रही है। मंथन थकान हुई देखो थोड़ी बहुत, अभी तक वेल्डन है काम। और वहाँ पे जाके हम ड्रिंक ब्रेक लेंगे यार, क्योंकि प्यास लगनी शुरू हो गई है। ये ना वैसे भी केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी है। इस टाइम पे हमने इस ब्रिज का हाफ पार्ट कवर कर लिया, और अभी हम रुके हैं ड्रिंक ब्रेक के लिए। अभी तक हमें कुछ ज्यादा थकान वगैरह महसूस नहीं हुई, मतलब हम बिल्कुल हंसी मजाक करते करते आए। भाई इधर आ देखो, थोड़ी बहुत थकान महसूस हुई अभी तक? नहीं नहीं, अभी तक पूरा ओके काम है। और भाई तुझे? मुझे भी नहीं हुई, ओके काम है अभी तक। और अभी हम लेंगे ड्रिंक ब्रेक और फिर से चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। पता नहीं मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, मेरा नाचने का मन कर रहा है भाई, मेरा नाचने का मन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 6:20 होने वाले हैं और लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब अंधेरा होने वाला है।
और मंथन देखो पसीने से भीग चुका पूरा। और ये अपना थर्ड चेक पॉइंट आ चुका है भाई। अब मेरे को थोड़ी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, देखो हो रही है थोड़ी बहुत, मेरे को हो रही है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, बट मेरे को लग रहा है कि बाद में मेरी लेग्स दर्द करेंगी बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे अमृतसर के लोग इतने ज़्यादा गाइड, अभी अभी जो साइकिल वाला है मेरे को लगा फ़ोन छीनने लगा मेरा, फिर देखा ये तो बंदा ही साइकिल पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे अमृतसर के लोग इतने ज़्यादा गाइड है ना, हम जैसे पैदल जा रहे हैं जो भी आ रहा है वो कह रहा है कि आओ आपको राइड दे देते हैं, लास्ट तक छोड़ देते हैं, देख लो आ रहा है। बट फिर हम बता देते हैं कि उनको नहीं नहीं ऐसे हम अपना चैलेंज कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो फिर ठीक है। रास्ता हमने टोटल कवर कर लिया है सिर्फ एक घंटे में, एक घंटे में। अगर हम एक्टिवा पे होते ना हमें सिर्फ 15 मिनट लगते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और पैदल हमें सिर्फ एक घंटा लग गया, और ऊपर से अब लेग स्पेन हो रही है जाकर। तो फाइनली हमें जीत प्राप्त हो चुकी है, हमने एक घंटे में सारा रास्ता कवर कर लिया। ये हमने पीछे ब्रिज जो हमने सारा कवर करा है अपने बंदों के साथ, और अभी हमें जाना है वापस। तो चलो चलते हैं वापस, टाइम खराब ना करें क्योंकि अगर अंधेरा हो गया फिर सेफ्टी कम हो जाएगी। तो चलो बढ़ते आगे भाई। थकान महसूस हुई देखो कितनी, मेरे को हो रही है थोड़ी बहुत ही, मतलब थोड़ी बहुत ही से एक लेवल ऊपर आ चुका है भाई। देखो थोड़ी बहुत थकान महसूस हुई है तुम्हारी भाभी के साथ बात कर रहा हूं, वैसे ना ओहो ये बंदा मतलब अपने नशे में चल रहा है, और हमारी यहाँ बैंड बज गई है शायद। चलो बढ़ते आगे, ऐसे हम रुक नहीं सकते। अब अभी हमने कहा गलत कामों से दूर रहो, नहीं हर एक बंदे की अपनी अपनी मर्जी होती है। चलो आगे बढ़ो, रात नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी भागो, वैसे भी लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं। भागो भागो भागो, चलो शुक 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 शुक। गई जाते जाते ना हमें ये देखो इतनी अच्छी जगह दिखी ना, क्या बात है, यहाँ पे आना है अब। हाँ आते हम इस ब्रिज पे रोज़ है, दिखी आ जाए, इतनी ज़्यादा कूल लग रही है ना, यहाँ पे आना है अब जब आना है। अब किसी को थकान तो नहीं हुई, देखकर थकान ही निकल गई, मेरे को थकान हुई हुई है पर चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंधेरा हो चुका है और मैं थक चुका हूँ, मैं लिटरली देखो ज़मीन पे आ चुका हूँ भाई, थक गया अब थकान महसूस हो रही है। बट गाइज हमें जल्दी जल्दी रास्ता कवर करना है और हम फिर से उठते हैं, चलो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी, ये ज़्यादा ही लंबा हो गया भाई, फालतू बातें नहीं, चलो आगे बढ़ो। हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया पैदल, अब हम यहाँ से नीचे होने लगे क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है ना, हमें फिर पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इस हिसाब से हम इस अब नीचे चलेंगे। वैसे हमारा चैलेंज था ये पूरा वहाँ से लेके लास्ट तक जाना, और हम गए, वापस भी आए पैदल ही, और पैदल घर तक भी जाएंगे। अभी तक कोई थकान अभी भी नहीं भाई, मेरी लेग्स दर्द हो रही है बस। अमृतसर में ना सिर्फ आपको एक ही आवाज सुनेगी, आदो श्याटे 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 श्याटे। तो टोटल 2 घंटे लगे हमें इस ब्रिज को कवर करते करते। अब देख सकते हैं कि ये ब्रिज बिल्कुल मेरे घर से सामने दिखता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले ही। और इस वीडियो से इंस्पायर होकर आप कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
बाय 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 बाय।